हाँ, तो क्या है कि जो ये डेमी फेसेट्स का चक्कर है, एक्चुअली डेमी फेसेट से ही मेनली रिब्स अटैच होता है वर्टिब्री से, वो तो केवल ट्यूबरकल पार्ट में ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो तो समझ आ जाता है बच्चों। डेमी फेसेट वाला चक्कर बड़ा ही खराब है। तो देखो यहाँ पे कहना है, मैंने टोटल यहाँ पे थोरसिक वर्टिब्री बनाया बारे का बारे, और एक बनाया सर्वाइकल वर्टिब्री भी। क्यों बनाया अभी आपको रोल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि वर्टिब्री का नाम दे देता हूँ। ये तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, दैट वर्टिब्री इट C7, और उसके बाद ये पूरा का पूरा थोरसिक है। तो मैं नाम दे रहा हूं T1, T2, T3, T4, T5। नोट्स में ये डायग्राम नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में ऐड करना है तो कर लें, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आपको ये डायग्राम काफी हेल्प करेगा एनाटॉमी में, अदरवाइज कंफ्यूज होते घूमे फिरोगे। एंड दीज आर द डेमी फेसेट्स। मैंने यहाँ पे केवल बॉडी पार्ट बनाया है, क्योंकि वो पूरा बना, इसलिए तो मैंने पिछले डायग्राम में नहीं बताया, डायग्राम गुजरू हो जाता, अब समझ में आया थी, क्यों नहीं बता रहा था वहां पे मैं ये बातें, वहां पे डायग्राम बिल्कुल गंदा हो जी जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं केवल बॉडी बना रहा हूँ, बाकी मैं ना तो ट्रांसफर प्रोसेस बना रहा हूँ, ना ही मैं न्यूरल स्पाइन बना रहा हूँ, ना पोस्ट जगह कुछ नहीं। तो ये क्या डेमी फेसेट्स है। अब आप एक बात गौर करो, C7 में कितने डेमी फेसेट्स हैं, गौर से देख के बताना मुझे। दो दो दो, और वो कौन है, सुपीरियर या इनफीरियर? इंफीरियर केवल इनफीरियर डेमी फेसेट्स हैं, जबकि उसके नीचे जितने भी वर्टिब्री हैं T1 से लेकर T11 तक, उन सभी में कितने कितने डेमी फेसेट्स हैं बोलो। चार। चार, जिसमें से दो हैं सुपीरियर डेमी फेसेट्स, ये देखो दोनों ऊपर वाले, और दो हैं इंफीरियर डेमी फेसेट्स, है कि नहीं, सभी में T1 से लेके T11 तक। लेकिन T12 में कितने डेमी फेसेट्स हैं? दो। दो T12 में दो, और वो भी कौन, सुपीरियर या इंफीरियर? सुपीरियर। तो ध्यान रहे कि सभी के सभी थोरेसिक वर्टिब्री में डेमी फेसेट्स पाए जाते हैं, मगर T12 में केवल दो ही डेमी फेसेट होता है, जबकि T1 से लेकर T11 तक चार चार डेमी फेसेट्स होता है, दो सुपीरियर दो इंफीरियर, लेकिन T12 में केवल दो सुपीरियर डेमी फेसेट होता है। इसके अलावा C7 में भी दो डेमी फेसेट्स होता है, और वो दो डेमी फेसेट्स कौन सा होता है, इंफीरियर। अब हम आते हैं रिब्स को लेके, आ जाए, रिब्स का हेड केवल बना रहे हैं यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा ना। तो ये देखो रिब्स का हेड है, और रिब्स का हेड किस तरीके से अटैच हो रहा है, इस बात को गौर करना, जो अतीक बोलना चाह रहा था पिछली मीटिंग में। ये एक सिंगल रिब्स आया जी, और उसका हेड है बाइफर्केट। तो जो बाइफर्केट हेड है उसका एक पार्ट तो यहां फिट है, दिख रहा होगा, मतलब C7 के इंफीरियर डेमी फेसेट्स में, और एक है T1 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स में। ये पहला रिब्स है, ट्रू रिब्स, मैं इसको रिब 1 लिख सकता हूं, R1। ऐसे ही मैं पूरा बता दे सकता हूं आगे सारा का सारा वर्टिब्री, क्योंकि पीछे तो सारा वर्टिब्री रिब्स के साथ अटैच होता है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। नेक्स्ट वर्टिब्री है कौन, R2, रिब्स 2 आया जी। तो सेकेंड रिब्स का, सेकेंड ट्रू रिब्स का जो हेड का एक पार्ट है, यार थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, पहले इधर से लेते हैं ठीक है, तब उधर बाहर निकाल लेंगे। तो जो एक पार्ट है वो T1 के इन्फीरियर डेमी फेसेट्स, और जो दूसरा पार्ट है T2 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स के साथ अटैच है, ये है सेकंड रिब्स। नाउ थर्ड रिब्स, फिर थर्ड रिब्स का हेड का एक पार्ट तो बाइफर्केट पार्ट का जो एक पार्ट है T2 के इन्फीरियर डेमी फेसेट्स, और एक T3 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स। फिर ये शाफ्ट रीजन उधर चल जाएगा वेंट्रल में, स्टर्नम से अटैच होते हैं, स्टर्नम का अटैचमेंट मैं बता चुका हूं। फिर यह है रिब्स 3, फिर रिब्स 4 का T3 के एक पार्ट जो है T3 के इन्फीरियर डेमी फेसेट्स, और एक पार्ट T4 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स, फोर्थ रिब्स। फिर फिफ्थ रिब्स का एक पार्ट हेड का T4 के इन्फीरियर डेमी फेसेट्स, और एक पार्ट T5 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स, रिब 5। फिर नेक्स्ट रिब्स नंबर 6 का हेड का एक पार्ट
T5 के inferior डेमी फेसेट्स और एक पार्ट T6 के superior डेमी फेसेट्स के साथ है। नेक्स्ट रिब नंबर 7 यानी कि लास्ट टू रिब्स, एक पार्ट हेड का T6 के inferior डेमी फेसेट्स और एक पार्ट T7 के superior डेमी फेसेट्स। यहां जाके ट्रू रिब्स तो खत्म हो गया, अब आ रहा है कौन फॉल्स रिब्स। तो चाहे फॉल्स रिब्स हो या फ्लोटिंग रिब्स हो, पीछे तो वर्टिब्रा वर्टिब्रा के साथ जुड़ा हुआ है यार। अब देखो रिब्स नंबर 8 यानी कि पहला फॉल्स रिब्स, उसका हेड का एक पार्ट T7 के, ये पीछे का डायग्राम है भाई, वर्टिब्रा कॉलम के पीछे का डायग्राम, T7 के इनफीरियर डेमी फेसेट्स और T8 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स के साथ अटैच है रिब्स नंबर 8, पहला फॉल्स रिब्स। नेक्स्ट R9 यानी कि 9th नंबर का रिब्स, उसका हेड का एक पार्ट T8 के इनफीरियर डेमी फेसेट्स और एक पार्ट T9 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स के साथ अटैच है। देन रिब्स नंबर 10 का हेड का एक पार्ट T9 के इनफीरियर डेमी फेसेट्स और एक पार्ट T10 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स के साथ अटैच है। देन रिब्स नंबर 11 यानी कि फर्स्ट फ्लोटिंग रिब्स, उसका हेड का एक पार्ट T10 के इनफीरियर डेमी फेसेट्स और एक पार्ट T11 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स के साथ अटैच है। देन लास्ट रिब्स, लास्ट फ्लोटिंग रिब्स भी बोलोगे, उसका हेड का एक पार्ट T11 के इनफीरियर डेमी फेसेट्स और एक पार्ट T12 के सुपीरियर डेमी फेसेट्स के साथ अटैच है। क्या अब आपको यह बात समझ में आया कि क्यों C7 में भी दो डेमी फेसेट्स है और क्यों T12 में दो ही डेमी फेसेट्स है? आपको कारण समझ में आ गया होगा। और ये है जिस तरीके से इधर अटैच है ऐसे ही इधर भी अटैच है। अब मैं वो चीजें नहीं बनाने वाला हूं, डायग्राम मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दीज आर द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ रिब्स एंड वर्टिब्रा, ऐसे अटैच होता है। ये डायग्राम आपको काफी हेल्प करेगा, इसका पिक्चर ले लो, मेडिकल कॉलेज में बहुत काम आएगा। ये नोट्स में नहीं है ये, ठीक है? हाँ ठीक, अब बोलो तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर निकला होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस, इस साइड मैं एक तरफ का निकाल देता हूँ, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस मान लो है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है? क्योंकि बॉडी है, बॉडी के ऊपर होगा थोड़ा सा हालांकि, ठीक है? इस तरह से ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, उधर भी होगा, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उधर भी बनाऊं इधर भी बनाऊं, ठीक है? Now, इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस का, सॉरी रिब्स का जो याद करो ट्यूबरकल था, ट्यूबरकल तो किसके साथ अटैच हो जाएगा जी, बोलो? ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। कैसे अटैच हो रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है लाइक दिस, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। हो गया, सारे के सारे रिब्स अटैच हो चुके, जैसे इधर ऐसे उधर भी है। बाकी एक वर्टिब्रल कॉलम दूसरे वर्टिब्रल कॉलम के साथ कैसे अटैच होगा, ये मैं पिछली मीटिंग में आपको 3D में फील करके बता चुका हूँ। दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द रिब्स विद वर्टिब्रा एंड दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा। अब आपको डेमी फेसेट्स का चक्कर क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर चलते हैं नोट्स पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सो दीज आर द वर्टिब्रल कॉलम। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, एक एक सिंगल सिंगल वर्टिब्रा के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले इतनी बातों को मैं एक बार नोट्स से आपको यहाँ पे वेरीफाई करा देता हूँ। वही बातें लिखी हुई है, आप अगर पढ़ लेना सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार गौर से पढ़ना, ठीक है? इधर भी जो बातें लिखी हुई वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, जिससे पूछूंगा वो बताना कि एक टिपिकल वर्टिब्रा के पास टोटल कितना प्रोसेसेस होता है। प्रोसेसेस जो बाहर निकला हुआ था, नंबर पूछ रहा हूं, टोटल कितना प्रोसेसेस होता है, सोच के बताओ। अतीक, सर कितना? तो न्यूरल स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस, टोटल बताओ ना पहले, टोटल बताओ ना। दो दो चार सेवन 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 सही जवाब है। जिसमें न्यूरल स्पाइन कितना होगा? एक एक। ट्रांसवर्स प्रोसेस दो दो।
प्री जैकोपोफाइसेस, दो और पोस्ट दो, और पोस्ट भी दो होगा, तो टोटल सेवन प्रोसेस होते हैं। अब अगर आप ह्यूमन, बंद करो भाई, अगर ह्यूमन के वर्टिब्री को देखेंगे तो ह्यूमन का वर्टिब्री बिल्कुल फ्लैट होता है दोनों साइड से, इसलिए बोलते हैं इसको एम्फीप्लैटिओन। जबकि किसी किसी ऑर्गन का वर्टिब्री एक तरफ से कॉनकेव और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स, या फिर दोनों ही तरफ से कॉनकेव, या दोनों ही तरफ से कॉन्वेक्स, या एक तरफ से कॉन्वेक्स एक तरफ से फ्लैट, ये एनिमल डाइजेस्टिव में बता दूंगा मैं, इस तरीके से होता है। लेकिन ह्यूमन का वर्टिब्री एम्फीप्लैटिओन होता है, दोनों साइड से एकदम बिल्कुल चपटा फ्लैट, एकदम ऐसे फ्लैट चपटा, ठीक है। सो दैट ह्यूमन वर्टिब्री इज एम्फीप्लैटिओन। देन नेक्स्ट मुझे बताएगा बिटवीन टू वर्टेब्री कितने टाइप के, कितने टाइप के ज्वाइंट होते हैं सृष्टि, कितने टाइप के ज्वाइंट होते हैं? आवाज नहीं आ रहा सृष्टि। दो टाइप के, दो टाइप के, और वो दो कौन है? तो एक है कार्टिलेजनेस ज्वाइंट और एक है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कार्टिलेजनेस ज्वाइंट मैंने आपको पहले बता दिया, इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो बनता है दो वर्टेब्री के बीच में। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपको पता है कि नीचे वाला वर्टिब्री जो है इंफीरियर वर्टिब्री का सुपीरियर, ऊपर वाला जो है सुपीरियर जैगोपोफाइसिस और ऊपर वाले वर्टिब्री का इंफीरियर जैगोपोफाइसिस, वो दोनों के बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट बनता है। अब सोच समझ के बताना अतीक, दो वर्टिब्री के बीच में, दो वर्टिब्री के बीच में टोटल कितने ज्वाइंट होते हैं? टाइप नहीं पूछ रहा हूं मैं, नंबर पूछ रहा हूं। तीन, जिसमें से एक होगा कार्टिलेजनेस ज्वाइंट और दो होगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कार्टिलेजनेस ज्वाइंट होगा इंटर वर्टिब्रल डिस्क में और ग्लाइडिंग ज्वाइंट इधर वाला एक प्री एंड पोस्ट जैकोपोफाइसिस लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दो ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अभिषेक बताएगा कि एक वर्टिब्री इन जनरल, ऐसे सोच के बताना है, मान लो कि मैं T3 की बात कर रहा हूं, एक T3 वर्टिब्री टोटल कितने ज्वाइंट बनाया होगा? सर फोर। गलत। अतीक सिक्स। सिक्स, क्योंकि अगर वो T3 है तो ऊपर T2 के साथ भी बनाएगा और नीचे T4 के साथ भी बनाएगा, तो ऊपर बनाएगा तीन, जिसमें से एक होगा इंटर वर्टिब्रल डिस्क का कार्टिलेजनेस ज्वाइंट और दो होगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्री एंड पोस्ट जैकोपोफाइसिस के बीच में, एट द सेम वे नीचे भी होगा T4 के साथ, तो टोटल सिक्स ज्वाइंट बनाएगा ना वो। तो दीज आर द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक वर्टिब्री के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स बताऊंगा, आप उससे पहले टिपिकल स्ट्रक्चर तो याद करके ही आना, तब आपको समझ में आने वाला है कुछ भी, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये पूरा देख लेना ढंग से अच्छे से, इसको समझ लेना, रटना मत। देन अब आप क्या करेंगे, NCERT पेज नंबर, आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम NCERT के अकॉर्डिंग खत्म हो गया है, लेकिन क्या है कि आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे आपको वहां दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं कुछ नॉलेज दूंगा आपको यहाँ पे। तो आज आप क्या करेंगे, नोटबुक से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट पढ़ के खत्म कर लेंगे, कहां से कहां, पेज नंबर 309 से 310, यहां पे पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग से, हेडिंग नंबर 20.3 से, और 310 पे लास्ट पैराग्राफ के ऊपर तक, ऊपर तक पढ़ लेना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अतीक? नो सर। अभिषेक? नो सर। सृष्टि? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।